नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज कल एक मेल आया था मेरे पास कि उन्होंने दोस्त ने पूछा कि यार ये बॉलिंजर बैंड का जो ब्लास्ट होता है वो होता क्या है, तो थोड़ा सा उस पर बनाई। और बॉलिंजर बैंड का पहले भी बहुत सारे मेरे पास मेल मतलब काफी पहले भी आए हुए थे कि मैं बॉलिंजर बैंड बीबी ब्लास्ट के ऊपर कुछ बनाए। और मेरे कुछ अपनी भी कुछ फाइंडिंग्स थी, जैसे मैं कुछ कुछ थोड़ा सा और पढ़ते रहता हूँ इसके बारे में, बोलिंजर बैंड के बारे में। क्योंकि बोलिंजर बैंड एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि हम अगर बोले तो, अगर हम बोलिंजर बैंड थोड़ा सा जितनी गहराई में इसमें चले जाएंगे ना, इसके अलावा दूसरे किसी इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारे चीजें बता देता है, ये सारी चीजें, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई मार्केट का स्टेट नहीं है जो ये नहीं बता सकता। ये सब बता सकता है, मार्केट कब रेंज बाउंड है, कब वो ट्रेंडिंग है, कब खरीदना चाहिए, क्या उसका सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, सब बताता है ये। तो हमें थोड़ा सा इसमें डीप डाइविंग करनी पड़ेगी, और जो कि मैं करता रहता हूँ। तो दो तीन चीजें जो मैंने इसमें ऑब्जर्व करी है, जो एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया था कि जब भी बॉलिंजर बैंड के अपर या लोअर बैंड के बाहर अगर कैंडल कोई बन जाती है 50% के से ज्यादा, तो वो डेफिनेटली वो पुल बैक करेगी करेगी, उसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और वो पुल बैक करती है। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप उसको एक्सपीरियंस करें खुद ही, अपना बैक टेस्ट करें और फॉरवर्ड टेस्ट करें उसको। तो आज मैं बताऊंगा कि जो पहले तो बता दूं उनका ब्लास्ट होता क्या है। ब्लास्ट का मतलब ये होता है, देखिए ये वाला जो यहाँ पर अभी जोन चल रहा है ना, इसको कहते हैं बोलिंजर बैंड ब्लास्ट। जो कि ये अपर या लोअर बैंड के साथ साथ जो कैंडल चलती रहती है, तो उसको हम कहते हैं ब्लास्ट हो गया है, बैंड ब्लास्ट हो गया है। तो ये बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है बैंड ब्लास्ट में। जब भी बैंड के अपर या लोअर साइड में चलता रहे, तो आप समझ लो कि ये बैंड ब्लास्ट हो गया, और उसी के साथ साथ आपको ट्रेड लेना है सेम वे पे। अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो पुट साइड पे जाना, और ऊपर की तरफ जाना तो कॉल साइड पे जाना। तो जैसे ये देखिए, यहाँ पर एक कैंडल बनी थी, मार्केट के साथ शुरुआत थी 8 तारीख। देखिए हाँ, ये देखिए मार्केट यहाँ से शुरू हुई और एकदम इसके अंदर चली गई। तो आप बिल्कुल इसको ऑब्जर्व करें, बैक टेस्ट करें। जब भी मार्केट के इस बैंड के बाहर जब भी कोई कैंडल बनती है या आती है, वो तुरंत अंदर चली जाती है। जैसे देखिए ये था, जैसे ही ये रेड कैंडल बनी 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 और तीसरी रेड कैंडल के बाद देखिए मार्केट जो है सो बैंड इसके अंदर चला गया। उसी तरह से यहां पर भी था, और भी आप इसको पीछे पीछे चेक कर सकते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे, आपको सब जगह बिल्कुल यही देखेगा सेम चीज, कि जब भी बैंड के बाहर अगर कोई कैंडल बनती है तो ये उसके अंदर जाती जाती है, मतलब वहां से रिवर्सल लेती रहती है। अब उसको क्या कर सकते हैं हम, उसको आरएसआई के साथ यूज करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कन्वेंशनल तरीका है जिसमें कि ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, तो इसके अंदर इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ऊपर बॉलिंजर बैंड लगा दिया, नीचे हमने जो है सो आरएसआई लगा दिया। अब इसको हम कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मतलब कैसे इसको देख सकते हैं, दोनों कंपेयर कैसे कर सकते हैं। इसमें देखो दोस्तों क्या है कि शेयर मार्केट जो है ना, बहुत लोगों को लगता है, जैसे नीतीश सर भी कहते हैं, उन सब बहुत सारे नए लोगों को, मुझे भी लगता था कि ये ना एक बिल्कुल हलवे की तरह है कि बस गए और उठाया और खाया, बिना चबाए पेट में निकल गए। ऐसा नहीं है, शेयर मार्केट इतनी सरल है, इतनी सरल है कि मतलब वो समझो कि वो अगर आप हथेली में पानी रखते हो, पानी में आपको लगेगा कोई वेट नहीं है, आपको लगेगा कि आपने पानी को पकड़ लिया, मगर वो धीरे धीरे सारा अपने आप नीचे गिर जाता है। ये बिल्कुल उसकी तरह है। तो इसमें ना आपको 360 डिग्री पूरी कंडीशन चेक करते रहनी है, एक एक बारीक से बारीक चीज को भी नोटिस करना है, तब जा करके इसके अंदर सक्सेसफुल होते हैं। नीतीश सर हमेशा कहते हैं कि जो शेयर बाजार है वो बिजनेसमैन का बिजनेस है, तो ये और खतरनाक है, मतलब आप समझो कि कितने दिमाग वाले लोग, कितने पैसे वाले लोग बैठे हुए। तो अब हमें बारीकी से क्या समझना है कि जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको आज की मार्केट था, देखिए यहां पर खुली और मार्केट बिल्कुल नीचे आई, एक कैंडल नीचे बनी, तो यहां पर तो आरएसआई जो है सो ये आ गया। आपने ये जो आरएसआई की सेटिंग है वो हर कोई अपनी अपनी कर सकता है, 70-30 मेरे लिए बहुत अच्छी है, डिफॉल्ट सेटिंग में रखता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो यहां पर देखिए हमने देखा कि पहला कैंडल जो है सो तुरंत बन के नीचे आ गया और बॉलिंजर बैंड के बाहर आ गया। अब हमें क्या दिखाता है, ये बॉलिंजर बैंड के अंदर आ गया, तो अब ये समझे कि ये अंदर जाएगा, ये इतना आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ये अंदर जाएगा, मगर कब जाएगा, वो कब जाएगा, वो हम कंपेयर करते हैं आरएसआई के साथ कि मार्केट ये इस बॉलिंजर इस बैंड के अंदर कैंडल कब जाएगी। तो सेम वे में आप नीचे देखिए, जब मार्केट ने पहली कैंडल फॉर्म की तो ये इसके नीचे आ गया और इसका लेवल था 22। उसके बाद मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट हुई, यहाँ से अपसाइड में आई, और कितनी बार लगा हुआ कि ये बुलिश कैंडल बन गई, नीचे से बहुत अच्छी पिन बार बनी है ऊपर लाल, ठीक है जी। अगली कैंडल फिर पिन बार बन गई, हैमर टाइप की, थोड़ी सी बड़ी हैमर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए ऊपर से रिजेक्शन, फिर जो है एक तरह से मार्केट एक छोटी सी रेंज में यहाँ पर स्टक हो गया।
अब आप इस चीज को ध्यान से देखें कि मार्केट ये यहां से स्टक हो गया, मगर द सेम वे यहां पर मार्केट जो आरएसआई था, आरएसआई क्या कर रहा है? देखिए आरएसआई कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि यहां देखिए क्या हुआ, यहां तक जब आया तो हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, मगर जब इसने इस रेंज को तोड़ा तो हमने यहां पर एक पुट साइड का ट्रेड ले लिया। ट्रेड लिया तो इस कैंडल पे हमें एक अच्छा सा प्रॉफिट हो गया, काम खत्म। अब कैंडल क्लोज हो गई, अब आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि अब यहां देखिए, एक सेकेंड, हाँ ध्यान यहां दीजिए। और यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसने तो देखिए अपना लोअर, इसने इस वाली कैंडल को देखी है और इस वाली कैंडल को देखी है, कितना डिफरेंस है। मगर आरएसआई जो है सो दोनों का लेवल बराबर है। अब यहां से हमें जो है सो हमारे काम खड़े हो जाने चाहिए कि नहीं, इसका मतलब जो ये वाली जो लाल कैंडल बनी है ना, ये फेक बनी है, मतलब इसके अंदर डाउन साइड की इसमें वीकनेस नहीं थी, इसमें स्ट्रेंथ थी। नहीं तो अगर इसमें वीकनेस होती तो ये जो लाल कैंडल बनी, इसका जो चोंच था ये और नीचे होता, ये कुछ इस तरह से स्लोप बनाता है, इस तरह से कुछ स्लोप बनाना चाहिए था। अगर ये बनाता तो हमें समझ में आता कि नहीं यार, अब क्या हुआ है कि मार्केट में वाकई में वीकनेस है, तो हम सेल साइड में बने रहेंगे, ये और मार्केट नीचे जा सकती है। मगर इसने क्या किया, यहां पर नहीं बनाया। तो इसने क्या किया, ये देखिए बिल्कुल बराबर, यहां तो मार्केट गिरी मगर यहां पर मार्केट आरएसआई नहीं गिरा, आरएसआई दोनों को एक सेम लेवल पे रहा। अब यहां से अपने को समझ में आया कि नहीं, अब मार्केट हो सकता है यहां से रिवर्स हो, तो कैंडल का वेट करें। उसी समय क्या हुआ, अब यहां पर देखिए दो चीजें हुई। पहली बात तो यहां पर मार्केट गिरी पर आरएसआई नहीं गिरा, दूसरी चीज क्या हुआ कि ये कैंडल पूरी पूरी अपनी बैंड के अंदर वापस आ गई, बैक टू पवेलियन हो गया। जो तीन बैंड अपने को दिखते हैं, हम सबको पता है ये लोअर बैंड है, अपर बैंड है, और ये बीच का जो है 20 SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज। तो जो अपर बैंड होता है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, लोअर बैंड जो होता है सपोर्ट की तरह भी काम करता है। अब यहां से इसने सपोर्ट लिया और एक ग्रीन कैंडल बनाया, और ग्रीन कैंडल बनाने का बैक टू बैक एक और ग्रीन कैंडल बनाया। और उसके बाद अब देखिए, जैसे ही इसने यहां पर पहली ग्रीन कैंडल बनाई, उसी समय इसी कैंडल के क्लोज होने पर अपने को एंट्री करनी चाहिए थी, और पहला टारगेट जो रहेगा अपने 20 SMA के पास आएगा। तो यहां से हमें रिवर्सल का एक संकेत मिल जाता है, हमें एक संकेत मिलता है कि ये एक साइन देगा कि नहीं, अब जो है सो मार्केट यहां से रिवर्स हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहां पर लाल तो बना मगर आरएसआई नहीं गिरा, इसका मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है पॉजिटिव साइड। तो यहां पर एक तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन करके बोलिंजर बैंड और आरएसआई को हम यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत इफेक्टिव तरीके से। बहुत लोग कहते हैं यार कि प्योर प्राइस एक्शन पे काम करो, जो ट्रेडर मतलब इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड करता है वो तो उसको कुछ आता ही नहीं है, वो खुद्दू है, वो बेवकूफ है, उसको कुछ नहीं आता मार्केट में। तो जो भी ऐसी बात बोलता है तो प्लीज उसको बिल्कुल इग्नोर करें, क्योंकि जिन लोगों ने ये आरएसआई बनाया, जिन लोगों ने बोलिंजर बैंड बनाया, आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो 70s के समय तक क्या हुआ था कि 70s तक, 1970 तक सबसे सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस होती थी, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। 70s के बाद क्या हुआ है कि टेक्निकल एनालिसिस का एक ट्रेंड शुरू हुआ, और 5 से 6 साल में वो बहुत जबरदस्त पीक पकड़ गया। और पीक पीक पकड़ने के बाद आप किसी भी इंडिकेटर का आप अगर हिस्ट्री देखेंगे, चाहे आरएसआई हो, चाहे बोलिंजर बैंड हो, चाहे और भी कोई सी वैसे टेक्निकल इंडिकेटर, उन सबका जो आविष्कार हुआ, उसकी जो डिस्कवरी हुई, वो 80s के ही दौर में हुई, 70 to 80 के दौर में, और ये आज तक उतने ही रियलिस्टिक है जितने उस समय थे। तो हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, ना कि ये बोलें कि यार ये बुरी चीज़ है और वो अच्छी चीज़ है, ये सब बेकार की चीज़ है। हम अपनी नॉलेज पे ध्यान दें, हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, डीप डाइविंग करें किसी भी चीज़ में, तो हमें पता चलता है कि यार नहीं, हर चीज़ की अपनी वर्थ है, बशर्ते कि अपने को नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की। इसी तरह से और भी अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारी चीज़, जैसे आप यहाँ पर देखिए फिर दोबारा से ऐसी हुआ, बोलिंजर बैंड के बाहर गए, वापस अंदर आ गए, बाहर जाते के साथ ही अंदर आ गए। तो इस तरीके से आपको ये बहुत सारी जो है सो प्लस, मतलब इस तरह से आपको ये बहुत सारे संकेत देगा, बहुत सारे ये अपने को हमारे काम को आसान कर देगा। पहला तरीका तो ये मैंने बताया आपको, दूसरा तरीका एक और होता है, वो होता है आईक्यू चार्ट के ऊपर। तो मैं उसके लिए आपको एक दूसरा चार्ट खोल के दिखा देता हूँ। उसको हम क्या करते हैं कि जो बोलिंजर बैंड है उसको हम आरएसआई के ऊपर लगा देते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ, वो और आसान हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से, अब कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं यहाँ से सबको क्लियर कर देता हूँ। आईक्यू चार्ट खोल गया हमारा, हम यहाँ पर क्या करते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं, और स्टडीज में जाकर सबसे पहले हम बोलिंजर बैंड लगा लेते हैं, फिर स्टडीज में जाकर हम लोग आरएसआई लगा लेते हैं, ठीक है जी। वही 80 और 20 का लेवल है।
आप इसको चाहें तो 70 और 30 कर दें, आपकी जो मर्जी वो करें, जिसकी जिसके साथ सेटिंग बनती है वैसे वो काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, उसके बाद बोलिंजर बैंड की सेटिंग में आए और सिंपल की जगह पे, सॉरी क्लोज की जगह पे इसको आप लगा दें आरएसआई के ऊपर, यार यार ये बड़ा हैंग हो रहा है सिस्टम इसका, क्या कहते हैं आप स्टॉक का, ये बार ये जो है सो देखिए यहाँ पे लग तो गया है मगर यहाँ दिख नहीं रहा है, ये इसमें बड़ी समस्या है। अच्छा एक मैं दोबारा इसको एक बार लॉगिन करके देख लेता हूँ, एक बार इसको जो है सो इसको लॉगिन करके देख लेते हैं। यूजर आईडी क्या था इसका, तो हमने यहाँ पर जो है सो इसमें खोल लिया है, इसमें काम करके देखते हैं, इसको थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड करने के बाद इसमें लगाते हैं अपन लोग। करना वही है, सबसे पहले आरएसआई लगाएंगे या कुछ भी अपना ये बोलिंजर बैंड लगा दिया, उसके बाद हम लगा देते हैं आरएसआई, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं अपन लोग 70 और 30, इसको डन कर देते हैं, बोलिंजर बैंड की सेटिंग में आते हैं और इसको क्या करते हैं क्लोज की जगह पे इसको लगा देते हैं आरएसआई के ऊपर। अरे यार अब यहाँ पर भी वही दिखा रहा है, दिक्कत कर रहा है, ओहो चलिए कोई बात नहीं, अपने काम करते हैं, अपन लोग जो है ना इसी में चेक कर लेते हैं। ये वाला चीज तो समझ में आ गया मैं, क्योंकि अब अपने चार्ट को चेंज कर रहा हूँ, सॉरी मैं चार्ट कर देता हूँ आईक्यू और वापस एक बार आते हैं इधर। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, मैं चाह रहा था कि दोनों यार एक साथ दिख जाता है ना तो मतलब बहुत अच्छा रहता है, मतलब कंपैरिजन हो जाता है, इसको क्लियर आउट कर देते हैं और बोलिंजर बैंड स्टडीज में आके फिर कर देते हैं आरएसआई। क्या हुआ भाई, RSI लगा लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि उसकी सेटिंग कहाँ गई भाई, अब सेटिंग में गए और इसको फील्ड यहां पर कर दिया हमने RSI के ऊपर, कमाल ही हो गया यार ये तो। चलो कोई भी दिक्कत नहीं दोस्तों, ये मैं ना कल बताऊंगा कि कैसे, पता नहीं क्या दिक्कत है, ये दिख क्यों नहीं रहा, ये हो सकता है शायद आईक्यू चार्ट में दिक्कत हो या फिर हो सकता है मेरे सिस्टम में दिक्कत हो, तो मैं इसको फिर दोबारा से अपना इसको चेंज कर देता हूँ अपना ट्रेडिंग व्यू में। तो कहानी समझ में आ गई कि हम आरएसआई को बोलिंजर बैंड के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें दो तीन चीजें और हैं, दो तीन कैच और है, वो मैं कल की वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। आज के लिए इस चीज के लिए सॉरी, क्योंकि इसमें कुछ हुआ नहीं, पता नहीं क्यों हुआ, अभी मैंने जब ये ऑफिस में मैंने चेक किया हुआ था इसको और वहां चल रहा था बहुत अच्छे से, पर कोई दिक्कत नहीं है, कल मैं फिर दोबारा इसकी वीडियो बनाऊंगा, आप थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दें, ये अपना जो आरएसआई और इसके ऊपर,
दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।